सरकार गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी ये कार्रवाई की गई है। आइए जानते हैं कि पीएफआई क्या है, कब अस्तित्व में आया है और इस संगठन पर क्या क्या आरोप है। चलिए आपको बताते हैं कि पीएफआई है क्या, कब अस्तित्व में आया है और कितने राज्यों में एक्टिव है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक कट्टर विचारधारा वाला संगठन माना जाता है। इसके काम करने का तरीका भी अन्य संगठनों से अलग है। वर्तमान समय में पीएफआई का असर देश के 16 राज्यों में है। 15 से भी अधिक मुसलमान संगठन इससे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मिलकर ये काम करता है। पीएफआई के देश भर में लाखों की संख्या में सदस्य हैं। पीएफआई के कार्यकर्ता लगातार असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। पीएफआई की शुरुआत साल 2006 में केरल में हुई थी। 2006 में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ, जिसके बाद पीएफआई अस्तित्व में आया था। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण में इस तरह के कई संगठन सामने आए थे। उनमें से कुछ संगठनों को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया। तब से यह संगठन देश भर में कार्यक्रम आयोजित करवाता है। यह संगठन देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है और मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद भी मांगता है, जिससे उसे अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है। 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एम्बलम लगे रहते थे। पीएफआई का शुरुआत से ही विवादों से गहरा नाता रहा है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते रहे हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाई कोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों में से पीएफआई का सीधा सीधा कनेक्शन है। इनमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े हुए हैं। हाल के दिनों में कानपुर में हुई हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। दिल्ली में सीएए आंदोलन से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली और मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा में भी पीएफआई के तार जुड़े हुए थे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कोरोना के वक्त पीएफआई और तबलीगी जमात के बीच संबंधों का भी खुलासा किया था। पुलिस ने दावा किया था कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसे आयोजित कराने के लिए पैसे की व्यवस्था पीएफआई ने ही की थी। पीएफआई पर जबरन धर्म परिवर्तन के 100 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। इन सब के अलावा पीएफआई पर आरोप है कि जब देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सीमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसके ज्यादातर नेताओं ने पीएफआई का दामन थाम लिया था। और 2014 में केरल हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर किया, जिसके मुताबिक पीएफआई के कार्यकर्ता केरल में 27 राजनीतिक हत्याओं के जिम्मेदार हैं। वहीं हलफनामे में यह भी कहा गया कि यह संगठन केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में किसी न किसी रूप से शामिल था। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल के साथ।